Early Tuesday morning, property dealer Om Prakash Dagar, who is also the brother of Congress leader Dharambir Dagar, was fired upon by three bike-borne assailants in Gurugram's Hans Enclave. At 8 a.m., just as Om Prakash stepped out of his home in Hans Enclave to go to office, there was indiscriminate firing. Om Prakash was shot thrice and he has been admitted to the hospital where he is said to be in a critical condition. The police are investigating CCTV footage from the area to learn more about the assailants. Police isn't ruling out the angle of political enmity. देखिए आज सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम गुड़गांव से एसएचओ सदर को सूचना मिली कि हंस एन्क्लेव में गोलियां चली हैं। जिस सूचना पर एसएचओ सदर अपनी पुलिस टीम सहित मौका पर पहुंचे और वहां जाकर मालूम हुआ कि जिनको गोलियां लगी हैं वो हंस एन्क्लेव के ही रहने वाले हैं, जिनका नाम ओम प्रकाश है और वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। आज सुबह वो जब अपने घर से अपने ऑफिस पर आ रहे थे तो उसी दौरान मोटरसाइकिल पर तीन सवार युवकों में से जिसने एक ने हेलमेट पहना हुआ था, उन्होंने ओम प्रकाश पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई, जिससे वो गोलियां लगने के कारण से बैडली इंजर्ड हो गए थे, जिनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और पुलिस मौके पर है। क्राइम टीम और एफएसएल टीम मौका पर पहुँच चुकी है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।